हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉलिड कैम टर्निंग के अंदर ग्रूविंग ऑपरेशन के बारे में। तो मैं एक पार्ट लेता हूँ सबसे पहले, उसमें हम ग्रूविंग का टूल पाथ बनाएंगे। इसमें तीन अलग अलग ग्रूव है, ये दोनों साइड एंगल है, वन साइड एंगल है, इस तरफ एंगल है और ये सीधा है, और ये रेडियस अलग अलग रेडियस है ऊपर नीचे हर जगह। तो सबसे पहले हम सॉलिड कैम न्यू टर्निंग ओके मशीन सेलेक्ट है कोऑर्डिनेट सिस्टम सेंटर ऑफ रेवोल्यूशन फेस बॉडी के ऊपर क्लिक कर दिया, उसके बाद ओके करते हैं। ऐसे यहाँ पे स्टॉक डिफाइन करते हैं, हम ये स्टॉक में हम हर जगह जीरो रखेंगे क्योंकि इसमें हम केवल ग्रूविंग का ही टूल पाथ बनाएंगे, टर्निंग और फेसिंग का नहीं, इसलिए मैंने जीरो कर दिया। उसके बाद ओके, एक और ओके। देख रहे हैं स्टॉक जो है पूरा, मतलब डाय पे कोई मटेरियल नहीं है, फेस पे कोई मटेरियल नहीं, कुल इस ग्रूव में मटेरियल है। तो अब हम आते हैं सॉलिड कैम टर्निंग के अंदर, यहाँ से हम ऑपरेशन लेते हैं ग्रूविंग। तो ज्योमेट्री में हम न्यू ज्योमेट्री लेते हैं, उसके बाद न्यू ज्योमेट्री हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से लेके और यहाँ तक। इसको आप अलग अलग भी सिलेक्ट कर सकते हैं या एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ओके ओके, यहाँ पे मॉडिफाई ज्योमेट्री का भी ऑप्शन है, यहाँ पे किस तरह से कितने एंड में स्टार्ट में एक्सटेंड या ट्रिम करना, तो भी यहाँ पे ऑफसेट है, एक्स एड में ऑफसेट दे सकते हैं आप चाहते हैं, एक्स में 0.2 ऊपर ऊपर उठ जाएगा। हम जीरो रखते हैं अभी, उसके बाद हम ओके करते हैं। उसको टूल सेलेक्ट ऐड टर्निंग टूल, यहाँ से एक्सटर्नल ग्रूविंग। एक्सटर्नल ग्रूविंग में सबसे पहले हम आते हैं सेंक पे यहाँ पे स्ट्रेट और 25 लेफ्ट राइट, यहाँ पे हम लेफ्ट लेते हैं तो इस साइड हो गया। उसके बाद इसकी वैल्यू है 25 का है 20 का, यहाँ पे दिखा रहा है ए, यानी 25 है तो 25 देना है। एल 150, एन पूरा दे सकते हैं इसमें डायमेंशन, एन है 20 mm इसकी डेप्थ और है थिकनेस 25 mm। उसके बाद हम आते हैं इंसर्ट पे, इसकी इंसर्ट आने के बाद यहाँ पे इंसर्ट पूछेगा, इंसर्ट शेप मतलब किस तरह का है, स्क्वायर है राउंड है जो भी है, तो हमारा स्क्वायर है तो स्क्वायर लेंगे। उसके बाद है ए, ये हमारे इसकी विड्थ पूछ रहा है, हमारे पास विड्थ है 3 mm की। उसके बाद है 12, ये है एच है इसकी हाइट इंसर्ट की। उसके बाद डब्लू इंसर्ट का पीछे वाला जो एरिया है वो होल्डर का, वो कम है या ज़्यादा है, तो वो भी 3 ही है हमारे पास। और उसके बाद ये है एल, ए यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ये भी हम 12 mm कर देते हैं। देखिए इस तरह से बन रहा है, यहाँ पे रेडियस पूछ रहा है इसका, इंसर्ट का कॉर्नर रेडियस 0.2 का रेडियस, ये थिकनेस उसकी मोटाई 6 mm। उसके बाद हम माउंटिंग पे आएंगे, माउंटिंग में हमें अगर फेस ग्रूविंग करना है तो इस तरह से रखेंगे, एक्सटर्नल ग्रूविंग करना है तो हम इस तरह से करेंगे, ये सही है। उसके बाद हम यहाँ से क्लोज करते हैं इसको और यहाँ से ओके। उसके बाद डाटा के अंदर ये फीड RPM इसमें देंगे इसको 150,
और फिर रफिंग का फिट देंगे हम 0.05 और फिनिशिंग में 0.03, या फिनिशिंग मार पे हम बढ़ा देंगे 200 रुपये 180। उसके बाद यहाँ पे ऑफसेट टूल, ऑफसेट नंबर यहाँ पे दे सकते हैं हम, जो नंबर देना चाहेंगे उसी नंबर में ऑफसेट आएगा। जैसे T0101 आता है तो हम यहाँ पे T0102, यहाँ पे हम 2 देंगे तो ऑफसेट नंबर 2 आएगा, सेकंड ऑफसेट नंबर ये है। और उसके बाद यहाँ पे रेफरेंस वगैरह है। उसके बाद है ऑर्गिन पोजिशन, ऑर्गिन पोजिशन सॉफ्टवेयर हमें खुद ही बताता है कि ऑफसेट कहाँ से लेना है, क्योंकि ग्रूविंग टूल में ऑफसेट का कन्फ्यूजन रहता है हमेशा। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 3 सेलेक्ट है, यानी यहाँ पे दिखा रहा है इस फेस से ऑफसेट है जेड का। आप यहाँ से नहीं लेना चाहते हो तो आप इधर 4 सेलेक्ट कर दीजिए, तो इस तरफ से ले, यहाँ पे देखेंगे ऑर्गिन चेंज हो गया। तो यहाँ से देख सकते हैं आपके ऑफसेट कहाँ से लेना है या कहाँ पे रखना है। उसके बाद है लेवल, लेवल के अंदर भी हम कुछ नहीं करना है। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के अंदर पहले आता है जनरल, जनरल के अंदर यहाँ पे रफ और फिनिश दो ऑप्शन है, हम पहले रफ करेंगे। उसके बाद हम रफ में आएंगे, रफ में पूछ रहे कॉन्स्टेंट या सिंगल, मतलब वन पास में जाएगा डायरेक्ट या फिर कॉन्स्टेंट थोड़ा थोड़ा। उसके बाद वैल्यू इसमें पूछ रहा है, 2 mm की वैल्यू यहाँ पे दिखा रहे हैं नीचे पिक्चर में, आप जितना देना चाहे 1.5 mm के 1.5 mm के दे सकते हैं। उसके बाद है स्टेप ओवर, जो एक बार डेप्थ जाने के बाद साइड में कितना शिफ्ट होगा, तो 3 mm का है तो हम 2.5 ले लेते हैं। उसके बाद एक किस तरह से कटिंग करना है, पहले रॉ में कटिंग करना है, कॉलम में कटिंग करना है, यहाँ पे दिखा रहे हैं, देख सकते हैं। कॉलम में करेंगे तो डायरेक्ट नीचे जाएगा, हम रॉ में करेंगे। उसको डायरेक्शन, साइड टू कट, जिगजैग या फ्रॉम मिडिल, ये पूछ रहे हैं, हम जिगजैग लेते हैं। उसके बाद है यहाँ पे फिनिशिंग अलाउंस, एक्स में 0.2 का रखते हैं और जेड में 0.1 का। उसको लिंक में कुछ नहीं करना है। उसके बाद है सेमी फिनिश, सेमी फिनिश को ऑन करेंगे तो सेमी फिनिश होगा, सेम टर्निंग की तरह। यहाँ पे वैल्यू मांग रहा है, देखिए इसको ऑन करके 0.1 सेमी फिनिश के लिए छोड़ते हैं, 0.05। उसके बाद जो सेमी फिनिश होगा वो किस में होगा, ग्रूविंग मेथड, टर्निंग मेथड, डॉन वॉन्ली, हम ग्रूविंग मेथड में रखते हैं। उसके बाद जो फिनिश होगा वो हम करेंगे डाउन ओनली, हम दोनों को डाउन ओनली में करेंगे। अभी ग्रुप पैरामीटर, ब्रेकेज, उसके बाद देखिए और बताना भूल गए, हाँ यहाँ पे जनरल के अंदर लॉन्ग एक्सटर्नल करना है तो हम इस पे रखेंगे, इंटरनल ग्रुविंग करना है तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, फेस ग्रुविंग यहाँ और बैक ग्रुविंग यहाँ। तो अभी हम एक्सटर्नल कर रहे हैं तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेव एंड कैलकुलेट, सिमुलेट पे आते हैं, टर्निंग प्ले, हाँ इस तरह से चल रहे हैं। अभी देख रहे हैं ये डाई के ऊपर बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, जहाँ तक हमारा ग्रूविंग है या रेस्ट मटेरियल जहाँ पे है उतने एरिया में ही चल रहा है, लेकिन ये यहाँ से उठ के या फिर यहाँ से इस डाय पे, यहाँ से यहाँ इस तरह से चल रहा है। तो इसको हमें ओडी के ऊपर भी चलाना है, जो एडी के ऊपर मटेरियल रह गया हो तो भी हम यहाँ टेक्नोलॉजी में जाएंगे। यहाँ पे फिनिश ऑन, यहाँ पे हम कर देंगे एंटिटी ज्योमेट्री और सेव एंड कैलकुलेट, सिमुलेट, अभी ओडी के ऊपर भी चलेगा फिनिश में, टर्निंग प्ले, यहाँ अभी रफिंग हो रहा है। अभी देखिएगा ध्यान से, सिंगल स्टेप में लेता हूँ मैं, देखिए ओडी के ऊपर आया, यहाँ से चल रहा है, जिस तरह से एंटिटी रहेगा उसी तरह से चलेगा। फिर
इसी में फिनिश हो रहा है, इसके बाद फिनिश का टूल बताएगा। ये है फिनिश, मैंने डाउन ओनली में किया, टर्निंग में हम लेंगे सेमी फिनिश। यहाँ पे आईएसओ ग्रुप मेथड, यहाँ पे आईएसओ ग्रुप मेथड, उसके बाद सेवन कैलकुलेट, टर्निंग प्ले, वो सेमी फिनिश, वो सेमी वो फिनिश के लिए मैंने वो ऑप्शन ऑन किया है ग्रुप मेथड के लिए। अब देखिए इस डैश से लेके यहाँ से है टर्निंग मेथड में ग्रुप हो रहा है, पूरे ओडी पे चल रहा है। अब ओडी के ऊपर डायरेक्ट नहीं आ रहा है, तो जो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह से चलाना चाहते हैं। और यहाँ पे है रफ के अंदर, यहाँ पे मैंने रो लिया था, अब कॉलम लेते हैं, तो सबसे पहले नीचे भी जाएगा टर्निंग प्ले। देखिए ये सबसे पहले नीचे के एरिया क्लियर करेगा, उसके बाद साइड में शिफ्ट होगा। तो मेरे हिसाब से रो में चलाना ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ग्रोविंग का टूल पाथ बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग अच्छा लगा हो, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।